गुड मॉर्निंग नमस्कार साथियों, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट आरआरबी अहमदाबाद जोन का रिजल्ट जारी हो चुका है। सबसे बड़ा अपडेट आप सभी के लिए, इसका पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आरआरबी अहमदाबाद की ओर से ऑफिशियल अपडेट आप सभी के लिए, यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट आपके सामने वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर जाना है और दोस्तों यहाँ पर आपको दे रखा है गैर तकनीक लोकप्रिय पदों की वेबसाइट है, उसके ऊपर जाना है और नीचे की ओर चले जाएंगे। नीचे की ओर चलेंगे तो यहाँ पर न्यूज के न्यू क्लिक फॉर सीबीटी फर्स्ट रिजल्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में एक और जो आपका अपडेट है वो आपके सामने अपडेट खुल जाएगा, रेलवे एनटीपीसी से संबंधित है, उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट जारी हो चुका भैया। तो हम रिजल्ट से बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चीज, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों आरआरबी बोर्ड अहमदाबाद का रिजल्ट आ चुका, मुजफ्फरपुर का रिजल्ट और कट ऑफ आपने नहीं देखा तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पर सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट है वो आपका जारी हो चुका भैया। तो यहाँ पर अपडेट में, यहाँ पर आपको बार बार अपडेट वही बता रहा हूँ कि सीबीटी अहमदाबाद का रिजल्ट है जारी हो चुका है। और भी आपके रिजल्ट हम जारी करें, इसका पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। यस, इसके अंदर सभी लेवल हैं, जो लेवल सेकंड है उसका भी रिजल्ट जारी हो चुका है, उसके बाद में ग्रेजुएशन और नॉन ग्रेजुएशन का रिजल्ट जारी हो चुका है अहमदाबाद की ओर से दोस्तों। तो चलिए अहमदाबाद जोन का रिजल्ट जारी, कट ऑफ क्या रहा है वो अभी नहीं बताइए, तो कट ऑफ से रिगार्डिंग वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कट ऑफ क्या रही है अहमदाबाद जोन की। तो चलिए यहाँ पर रिजल्ट आपका आ चुका है अहमदाबाद जोन का, यह सीबीटी फर्स्ट जो है कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं उनके लिए ये रिजल्ट जारी हुआ है दोस्तों। यहाँ पर लगभग 20 गुना विद्यार्थियों को पास किया गया, यस 20 गुना विद्यार्थियों को पास किया गया है। और इसके अंदर दे रखा है कि जो आपका सेकंड एग्जाम है 14 से 18 फरवरी के बीच होने वाला है, 14 से 18 के बीच फरवरी के बीच एग्जाम होने वाला है, रेलवे एनटीपीसी का सेकंड एग्जाम भी होने वाला है। तो अहमदाबाद का रिजल्ट जारी हो चुका है, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए दोस्तों। चल नए अपडेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।